नमस्ते, आपका इस सत्तोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सत्तोलॉजी के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, भारत कभी गरीब राष्ट्र था ही नहीं, भारतवर्ष कभी गरीब नहीं था। आज भारत के कुछ टुकड़े गरीब हैं और जहाँ जहाँ पे अब्राहमिक मानसिकता आ गई है वो सभी जगह पुअर है। भारत के बॉम्बे या बड़े बड़े शहर हैं, मैं भी बॉम्बे से हूँ, और वहाँ पे गरीबी है। दिल्ली में बहुत जगह गरीबी है। जहाँ जहाँ पे सेटलर माइंडसेट आया है वहाँ गरीबी है। सेटलर माइंडसेट आता है एक कमजोरी की वजह से, उसका नाम है भय। हमारे शास्त्रों में बोला गया है, भगवान से तो भय भी भयभीत रहता है। भगवान राम के नाम से भय भी भयभीत है। तो जहां जहां वो मानसिकता आ गई है, वो जो दिखाते हैं ना, जो हरक्यूलिस पकड़ के घूम रहा है, भगवान ऐसा दिखता है, भगवान तो बूढ़ा हो गया है, भगवान तो अभी किसी हेवन पर कुछ लिख रहा है, ये कहां से आया है? ये सब मिडिल ईस्ट से आया है, मिडवेस्ट से आया है। एक चट्टान के ऊपर बैठ के लोगों ने ये सब मन आपस में पंचायत करके कुछ उल जुलूल बातें फैला दी गई। कभी भारत गरीब था? मैं 1835 से शुरू करता हूं, फिर मैं आपको सतयुग की तरफ लेके जाऊंगा, मेरे साथ रहिए। तो 1835 में जब थॉमस बेबिंगटन मकॉले, अभी आजकल उस पर भी थ्योरी शुरू कर दिया लोगों ने कि उसने कभी ऐसा बोला नहीं था, लेकिन उसका यह स्टेटमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट को है और ये झूठ लोग फैला रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं बोला, मतलब मिथोलॉजी वाले भी अपने आप को डिबंक कर रहे हैं, है ना? जो झूठ बोल रहा है वो भी बोल रहा है मैंने जो झूठ बोला वो सत्य नहीं था, वो झूठ नहीं था, मतलब वो झूठ था, मैंने जो झूठ बोला है वो झूठ था। ये बातें हो रही है क्योंकि लोगों को डर लग रहा है सत्तोलॉजी से। भय, भय, जहां जहां भय फैला वहां वहां आपको गरीबी दिखाई देगी। आप गौर करिएगा ध्यान से, जहां जहां भय फैला वहां गरीबी दिखाई देगी। ये पृथ्वी बनाई गई है इतने संसाधन से, इतने सुखों से, सोने हीरे, जब कोई भगवान कोई चीज बनाएंगे तो क्या ऐसी बना देंगे गरीब बना देंगे, भगवान गरीबी फैलाएंगे? ये कौन बात करता है? ये बात करते हैं असुर, ये बात करते हैं राक्षस, मतलब राक्षस तो हमारे पूजने भी हैं, राक्षस अलग कैटेगरी है, ये असुर बात करते हैं। और असुर जो है ये इस तरह की बात फैलाते हैं ताकि लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाए और आप उन असुरों पे विश्वास करें जो गरीबी एक्चुअली फैला रहे हैं। गरीबी हटाओ आंदोलन जो इस के बारे में बात करता है वो सभी गरीबी फैला रहे हैं। भगवान ने गरीबी नहीं फैलाई, पहली बात। 1835 में मैं सीरीज में शुरू करता हूँ, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ तो मुझे फ्लो चार्ट लिखना पड़ता है ताकि मैं आपको ठीक से पॉइंट्स बोलूँ। मुझे फीडबैक मिला है वीडियो से तो मैं उससे फॉलो करूँगा। थॉमस बेबिंगटन मकॉले 1835 में बोलता है कि उसने पूरे भारत का भ्रमण किया लेकिन उसको एक भी गरीब दिखाई नहीं दिया। यह 1835 की बात है, ठीक है, कुछ साल ही हुए, 200 साल हुए। 1947 तक इतना लूट लिया कि भारत गरीब दिखने लगा। थॉमस बेबिंगटन मकॉले ने बोला था कि हमको अंग्रेजी बोलने वाले मिडिलमैन बनाने हैं जो हमारी भारत को इंटरप्रेट करके हमारा एक कम्युनिकेशन मीडियम बन जाए और धीरे धीरे अंग्रेजी यहां पे छा जाए भारत में और लोग अंग्रेजी में सोचे, अंग्रेजी में बात करें ताकि हम उनको समझ सकें। थॉमस बेबिंगटन मकॉले को अंग्रेज बोलते हैं कमिटेड रेसिस्ट। उसके साथ डेविड हेयर था और एक लॉर्ड बेंटिक था, तीनों के तीनों नालायक, आप सर्च कर सकते हैं। हर्बर्ट होप राइसली को ब्रिटिश लेकर आए, भारत में यूरोपियन कास्ट
सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये थोड़ा सा इतिहास है, मैं इसे बोला 1835 से शुरू करूंगा। 1835 तक भारत, एक्चुअली 1857 तक, 1835 से तो कन्फर्म मान लीजिए क्योंकि 1857 में बगावत हो गई और यहाँ पे सारे मुसलमान जो राजा थे, मुगल राजा थे, जहांगीर चार, जो लूटने में लगे हुए थे, उनको वैश्यवृत्ति में और पैसा कमाने में ही इच्छा थी। लूट रहे थे हिंदुओं को, हिंदू बेचारे काम कर रहे थे और ये लोग लूट रहे थे, एंजॉय ऐशो आराम कर रहे थे। और ये सारे जो गरीबी की मानसिकता की बीमारी जो है अब्राहमिक फेतों में, अब्राहमिज्म में है, उसी का फायदा लेके और दूसरे लोग गरीबी फैला रहे थे। फ्यूडलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब वहीं से आता है, ये सब अब्राहमिज्म से ही आता है क्योंकि ये आसुरिक कल्चर है, ये पृथ्वी को लूट खसोट के खा जाता है। अब मैं आता हूं पृथ्वी के ऊपर। भागवत पुराण में जब भूमि के पास जाते हैं, उस समय बहुत कठोर समय निकला था भूमि से और काफी पाप वृत्ति के लोग पृथ्वी पे भर गए थे। अब मैं सीधा पहुंचा हूं, अभी कलयुग से शुरू किया लेकिन मैं सीधा एक्चुअली जंप किया मैंने पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि अब भूमि का स्वरूप मालूम होना चाहिए। मैंने सीधा मूव किया सतयुग में, सतयुग के अंत की कहानी है। लोग पाप वृत्ति में बढ़ रहे हैं, सतयुग में तो कोई नहीं था और उस समय भूमि देवी बड़ी दुखी है। और जब ऋतु महाराज को ये दिया जाता है, पता नहीं किस मनवंतर की कहानी है, किसी अलग मनवंतर की कहानी है ये, जब ये दिया जाता है पृथ्वी तो उबड़ खाबड़ है जगह जगह। आप कुरुक्षेत्र में जाएंगे, ऋतु महाराज के तीर्थ स्थल है, मेरी पुस्तकों में है, द ओरिजिनल एटलस में है, और आपको पता लगेगा किस तरह पृथ्वी को, भूमि को जब वो बाण लेके निकल जाते हैं और भूमि को पनिशमेंट देने की कोशिश करते हैं, दंड देने की कोशिश करते हैं, तो पृथ्वी आ जाती है, बोलती है लोग पाप कर रहे हैं इसलिए मैंने संसाधनों को छुपा लिया है। क्योंकि पृथ्वी जब भगवान बनाते हैं स्वच्छ पानी के द्वारा, अनेक प्रकारों से पूर्ण बनाते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पुण्यमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। संपूर्ण है पृथ्वी, पृथ्वी गरीब नहीं है, भगवान वराहदेव की देन है, वराहदेव ने इसको स्थापित किया है। पृथ्वी में कोई कमी नहीं है, भूमि देवी में कोई कमी नहीं है। भूमि देवी अपने संसाधनों को छुपा लेती है, जब पापी व्यक्ति हो जाते हैं सोना और नीचे चला जाएगा तो आपको और लंबी लंबी खदानें बनानी पड़ेंगी। 5-5 किलोमीटर की खदानें हैं डायमंड निकालने के लिए, 5-5 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में बड़ी बड़ी गहरी सुरंगें बनाई जाती हैं सोना निकालने के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले पृथ्वी ऊपर रखती थी। तो पृथ्वी महाराज ने पूरी पृथ्वी पे धर्म ले आए, तो भूमि देवी भी अपना सोना उन्होंने ऊपर कर दिया। अब आप वहां से सोना निकाल सकते हैं। जब भय जब आ जाता है, और भय किस चीज का होता है कि मैं, मेरा जो एंजॉयमेंट है वो कोई रोक देगा, ये भय का मेन कारण होता है, भय का मेन कारण होता है। तो पृथ्वी महाराज की कहानी से पता लगता है कि पृथ्वी में तो कोई कमी है ही नहीं, पृथ्वी में तो सिर्फ एक ही कमी है, धर्म की, है ना। ये सतयुग की बात हो रही है, मैं 1835 से सतयुग पहुंचा हूं। अब मैं वहां से थोड़ा नीचे आऊंगा, त्रेता युग में आऊंगा। भारत मुझे कहीं भी शास्त्रों में कहीं पर भी गरीब दिखाई नहीं दिया। भारतवर्ष तो खास ही रिच रहा है हमेशा। भारतवर्ष अभी उसके जो प्रांत बन गए वो गरीब है, और उन सबका इतिहास भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे बने वो, उस पर किसी और विषय में बात करेंगे। मतलब मैं आज बात करना चाहता हूं भारतवर्ष कभी गरीब था ही नहीं, ये हमको फैलाया गया। ये जो गरीबी की मानसिकता है ये अब्राह्मिक मानसिकता है, क्योंकि धन और ऐश्वर्य अनेक प्रकार के होते हैं।
हमारा पढ़ाई भी धार्मिक होती है, वो ऐश्वर्य होता है, धन होता है, हमारी शिक्षा धन होती है, हमारा हमारा नृत्य धन होते हैं, हमारा कल्चर धन होता है, हमारी वाक शक्ति धन होती है, अनेक प्रकार के धन होते हैं। सिर्फ सोने चांदी में उसको क्यों गिनना, तपस्या धन होती है, तपोधन है ना, राजधन जो हमारा ट्रेजरी है वो भी धन है। तो धन तो अनेक प्रकार के होते हैं। जो आज जो हमें सिखा दिया गया है, आपका रूप सौंदर्य भी धन है, अगर आपने अच्छे काम कर्म किया रूप सौंदर्य भी धन। तो सिर्फ जो हमें सिखा दिया सिक्के गिनना, बैंक में नोट देखना, वो धन तो नहीं होता है कि नोट से आपको कुछ अभी आप धन आपके पास बहुत है लेकिन कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको क्या फील होगा। फिर आप नौकर चाकर इकट्ठा कर लेते हैं, चाटुकार इकट्ठा कर लेते हैं पैसा दे दे के, तो आपकी चाटुकारिता करते रहते हैं ताकि आपको लो फील ना हो। फिर अचानक कोई व्यक्ति असली विद्वान आ गया, उसके सामने आप छोटे नहीं दिखते, आपको लगता है अरे मेरे उसके सामने तो कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। हमारे साधु संत तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं होता किसी के पास, पहले से नहीं है, लेकिन उनके जैसे आते हैं बड़े बड़े उनके पैर छूने चले जाते हैं। उनके पास क्या है, कुछ नहीं, दो धोती दो कौपिन दो गमछा, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं जाके, है ना, वो तपोधन है, वो भी धनी है। तो कहां से गरीब, किस तरह से गरीब है। तो अभी त्रेता युग में है, तो पृथु महाराज ने पूरी पृथ्वी पे को समतल बनाया, क्योंकि वराहदेव ने पहाड़ स्थापित कर दिए थे जगह जगह, पूरी पृथ्वी पहाड़ उन्होंने स्थापित की, उसका पूरा विवरण है मेरी पुस्तक में, किस तरह कहाँ पे मानसोत्तर कैसे स्थापित किया, हिमालय कैसे स्थापित किया, उसी पर मैं बाद में आऊंगा। हिमालय तो वराहदेव के समय से है, अगर वराहदेव के समय से है तो गोंडवाना लैंड और छिंदवाना लैंड जितने भी लोग बोलते रहते हैं बकवास, तो कहां से हो गया कोलाइडिंग, दो 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। आज ही मैंने देखा मैसेज, मेरी टीम ने कोट किया था उसको, फुलिशनेस है, मूर्खता है, हमको अपने बारे में मालूम नहीं है। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने भारत का नाम पढ़ा है, हमने उसको रिसेंटली लाके महाभारत में लाके डाल दिया, नहीं ऋषभ देव के पुत्र पे पढ़ा है, सबसे बड़े पुत्र, उनका संवाद आप देखिए, ऋषभ देव का संवाद देखिए भागवत पुराण में, सभी आचार्य लोग भागवत पुराण कोट करते हैं, लेकिन मैं अभी सारे पुराणों को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लिया मैंने और कुछ पढ़ता रहता हूँ क्योंकि भूल जाते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन है। अभी पितु महाराज, अब आप आइए भगवान राम के काल में, पूरी पृथ्वी पे इक्ष्वाकु वंश का राज है। मैंने अपनी बुक में प्रूव कर दिया इक्ष्वाकु वंश का राज पुष्कर द्वीप में है, जिसको आप साउथ अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में है जिसको क्रौंच द्वीप बोला जाता है, शालमली में है जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, एशिया में है जिसको जम्बू द्वीप बोलते हैं, शाक द्वीप जिसको यूरोप बोलते हैं, प्लक्ष जिसको अफ्रीका बोलते हैं, और कुछ द्वीप जो है मिसलेनियस आइलैंड चेन्स बोलते हैं। सब हमको उसी पृथ्वी की भूमि की बात कर सकते हैं जो आंखों से दिखती है, जहां पे सूर्य चंद्र जाते हैं उसी को पृथ्वी बोलते हैं। तो कहां से गरीब है भाई, पूरी पृथ्वी पे इक्ष्वाकु वंश का राज। एक रावण जिसने इतना उत्पात मचाया, हमारे इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि श्री रामचंद्र ने उसका वध कर दिया, तो लंका भी अयोध्या हो गई, तो वहां पर भी श्री राम आ गए, है ना, विभीषण को बनाया। तो हमारे राजा जो थे लोकल राजाओं के थ्रू बात करते थे और उनके थ्रू राज करते थे, लेकिन कभी युद्ध का समय आएगा तो लोकल राजा की सेनाएं इक्ष्वाकु वंश की सेनाओं के साथ जुड़ जाएंगी, इसलिए उनका नाम है दशरथ, जो 10 रथों का संचालन एक साथ कर सके। आज भी कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। अयोध्या का जब हम मैंने विवरण दिया, पढ़ रहा था मैं, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, मैंने भी अपना थोड़ा योगदान दिया है। इतना बड़ा नगर, इतने सारे द्वार, जगह जगह तोपें लगी हुई है, जगह जगह उसकी रक्षा कर रहे हैं, पूरी दुनिया के आर्टिस्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आ रहे हैं, ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। आपको लगता है कि सब ये सब आज का सब कुछ है, कुछ आज का नहीं है, पहले भी था ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, पहले भी था ये सब, ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस थी, इकोनॉमी था, निष्क थी करेंसी, करेंसी भी थी भाई,
कुछ अभी मॉडर्न ने इन्वेंट नहीं किया है, यूरोपीय बंदरों ने कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है, नकलची है। हमको भुला दिया गया है ताकि हम इंग्लिश सीख के बात करें। शेक्सपियर से घटिया पोएट जिंदगी में कभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं ना पढ़ूंगा उसको फ्यूचर में। हम तो कालिदास को पढ़ेंगे, हम तो भागवत पुराण पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे। रामायण के एक श्लोक के आगे पूरा पूरा अमेरिकन जितना भी पश्चिमी देशों के बंदरों ने क्रिएट किया सब बेकार, एक श्लोक के आगे। हम तो उसको मानते हैं, उसका नाम भी होना चाहिए थॉमस बंदर मकौले, है ना। वी हैव इनफ, वी डोंट वॉन्ट टू कॉपी एनीवन। हम लोग किसी की नकल नहीं करना चाहते, वी डोंट वॉन्ट टू कॉपी एनीवन। वी हैव अवर ओन हिस्ट्री, हमारे खुद के पुराण, हमारे इतिहास, अवर ओन हिस्ट्री इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन पुराण, रामायण महाभारत, हमारा इतिहास, एंड लाइव रिकॉर्डेड। व्हेन इज इट हैपनिंग, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। व्हाई डू वी नीड, कोई दूसरा हमको सर्टिफिकेट तो नहीं देगा। अभी इतने छेद हैं अब्राहमिक मानसिकता में, इनको साइंस की जरूरत पड़ती है। बोलते इज इट साइंटिफिक और नॉट, ये बीमारी हम सनातन धर्म के लोगों में भी लेकर आ गए हैं। आप सोचिए जरा, हम ये बीमारी सनातन धर्म के लोगों में भी लेकर आ गए हैं। वेदा साइंस क्या बोलता है, अरे बंद, हम तो योग को फॉलो करने वाले हैं। हम बोलते हैं योग कैसे, अगर किसी ने योग नहीं किया तो साइंटिस्ट कैसा, जिसका मन बुद्धि पे कंट्रोल नहीं वो साइंटिस्ट कैसा, वो क्या देखेगा फिर। हमारे ऋषि मुनियों ने योग किया है, हमारे हनुमान जी योग की साधना से ऊपर उड़ सकते हैं, इसलिए शक्तिशाली है। तो जिसने योग नहीं किया वो धनी कैसा, जिसने योग नहीं किया वो धनी कैसा, जिसने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया वो धनी कैसा, जिसको योग करना नहीं आता वो धनी कैसा। तो हमको धनी की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। और आप मुझे बताइए, पश्चिमी देशों में, मैं अमेरिका में रहता हूं, कितने लोग धनी हैं यहां पे, जो सुखी से धनी है? 1% पॉपुलेशन, 2% पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो वेल्थ है ही नहीं। इसका मतलब अब्राहमिक के बंदरों ने गरीबी बेची, आप सब गरीब। यहां पे तो लोन मिल जाता था, अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लोग मेरे हमारे शोज देखें, अंकित शाह जी के और मेरे शोज देखें, तो आपको पता लगेगा कि लोन भी बंद हो जाएगा। जो अभी छापते थे ना पेपर, मैं उस पर अलग से एक शो करूंगा ना, पेपर के द्वारा किस तरह जमीन हड़पाई गई, पेपर के द्वारा, सिर्फ पेपर से हड़पाई गई और कुछ नहीं किया गया, अलग शो करूंगा। आज धन पर है। अब शस्त्रों के बारे में सुनिए, टेक्नोलॉजी, शस्त्र मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, अस्त्र टेक्नोलॉजी हो गया, अस्त्र मतलब जो हाथ से फेंका जाए, शस्त्र मतलब जो हाथ से यूज किया जाए। महाराज दशरथ के काल में इक्ष्वाकु वंश के पास, विश्वामित्र के पास पूरी सृष्टि के शस्त्र है। मैंने पूरी लिस्ट बना के दी है, एक से एक, पूरी सृष्टि के शस्त्र है। जो शस्त्र मन को कंट्रोल कर दें, जो आंखों के द्वारा मूवमेंट कर दें, अजीब अजीब तरीके शस्त्र है, विनोद भाव प्रोड्यूस कर दें कि पूरी पूरी सेना हंसी हंसी रही है, पूरी पूरी सेना। आजकल हम बोलते हैं नर्व एजेंट यूज किया था, अरे नहीं भाई, योग एजेंट, वो थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी है। आजकल के केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, केमिकल तो आजकल कहां कहां से आते हैं, पेट्रोलियम से आते हैं सारे के सारे। पुराने समय में पेट्रोल भूमि में छेद करना, उसको बिना भूमि उसको निकाल के उसका यूज करना, मिसयूज करना, ये थोड़ी था सत्रियो। टेक्नोलॉजी थोड़ी और थी, एडवांस थी टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े भवन है, कंस्ट्रक्शन इज फंटास्टिक। दशरथ महाराज काल में 7 मंजिली मारते हैं। फिर आप मुझे पूछेंगे आज किधर है, दिखती क्यों नहीं, अरे भाई पुरानी कथा है, बहुत पुरानी कथा है। आप मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, बता दो बहुत सारे शहर हैं इंग्लैंड में, नॉर्थ अमेरिका में 300 साल में ही गायब हो गए। फिलाडेल्फिया में तो कितने शहर हैं जो बघर ही गायब हो गए। इसका मतलब कोई ना अमेरिकन का जो भी फाउंडर बोलते हैं कोई था ही नहीं फिर, तो ऐसा बोलना चाहिए, है ना। हर चीज को आप आर्कियोलॉजी की तरीके से नहीं देख सकते, आर्कियोलॉजी को एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते, गड़े मुर्दे उखाड़ना। लेकिन ये भी मानता हूं आर्कियोलॉजी की वजह से
हमारी श्रद्धा बनने में और बहुत मदद भी मिलता है, ये बोलता हूं मैं। लेकिन सिर्फ आर्कियोलॉजी के बेसिस पे चले हमारा पुराण विज्ञान, वो तो ठीक बात नहीं है ना। कभी ऐसा तो होता नहीं है कि आपके कोई पूर्वज है, आप बोलेंगे वो तो थे ही नहीं, मतलब आप है तो पूर्वज भी रहेंगे। आर्कियोलॉजी ने प्रूव नहीं किया इसलिए आपके थे नहीं पूर्वज, आप हवा से टपक गए, एलियन आ गए। अरे ये जितनी भी अब्राहमिक मानसिकता है, ये गरीबी की मानसिकता है, ये ऐसी मानसिकता है जो झूठ पे बनी है और उसका शिकार होते हैं जब आप इनकी भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा के द्वारा आपके जो मस्तिष्क ब्रेन है, लैंग्वेज है, उसके थ्रू की प्रोग्रामिंग हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, और फिर उसके बाद से आप पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं, बिकॉज वो रोक देता है, योग जो है उसको तोड़ देता है। एक शाकुंश की बात हो गई, अब मैं आता हूं उससे थोड़ा नीचे, और बीच में बहुत सारे राजा हैं, शाकुंश के बाद भी बहुत सारे राजा हैं, यू नो, उसके बाद नल और दमयंती की भी कथा होती है, बड़ी सुंदर, कुंदिनपुर वो विदर्भ में जगह है, आज भी है, वो छोटा सा गांव है कुंदिनपुर, कुंदिनपुर में विक्रमादित्य भी रहे हैं उसी जगह पे, तो ये बात की कथा है। तो तब तक तो इतना ज्यादा निषद राज भी हैं कुंदिनपुर में, नल दमयंती भी है, हर जगह समृद्धि समृद्धि मुझे दिख रही है, कहीं मुझे दिख ही नहीं रही गरीबी, घोड़े दिख रहे हैं, भारत तो घोड़े तो बड़े कॉमन है भारत में, दुनिया के सबसे बढ़िया घोड़े माने जाते हैं सिंधु देशी घोड़े, वही देश में अब्राहमिक मानसिकता के द्वारा उसको गरीब बना दिया गया भारत के टुकड़े करके, जैसे सनातन धर्म से किसी जमीन को तोड़ते हैं ना गरीब बन जाती है। फिर आप पूछेंगे अमेरिका इतना रईस कैसे है, अरे दिख रहा है ना कहां से रईस है, अगर रईस होता तो क्राइम रेट में नंबर वन कैसे होता, हॉस्पिटलाइजेशन नंबर वन कैसे होता, रेप में सबसे नंबर वन कैसे होता, गन वायलेंस में नंबर वन होता, तो कुछ दिखना तो चाहिए ना गरीब अमेरिका को, चैन चिन्ह 24 घंटे अमेरिकी एवरेज अमेरिकी तीन तीन चार चार जॉब करते हैं, और जब मैं भारत जाता हूं देखता हूं अरे लोग आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, थोड़ा बातें कर रहे हैं, मनुष्य की तरह रह रहे हैं, थोड़ा काम करने चले गए, थोड़ा पैसा आ गया फिर बैठ गए, कितना आराम से रह रहे हैं। कभी कभी मैं ड्रीम करता हूं कि वापस चला जाऊंगा और मैं ये सब करूंगा, लेकिन फिर याद आता है सेवा करना है, ये भी हमारी जगह है, ये भी इक्ष्वाकुवंश की जगह है, यहाँ पे प्रचार भी करना है ना, याद है? आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम और सेवा करते रहेंगे, बट ये भी इक्ष्वाकुवंश की जगह है, यहाँ पे विनीत वानर आए थे। फिर तो आपको कैसे देखना चाहिए, जो आपको जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका आपको एक्चुअल रिजल्ट देखना चाहिए। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो इतने फेमस एक्टर्स सुसाइड कैसे करते, है ना। रिसेंटली एक फूड शो का आदमी था एंथनी बोर्डन, सीएनएन का, उसने सुसाइड कर लिया, एक कोई कॉमेडियन था उसने सुसाइड कर लिया, आप माइकल जैक्सन की स्टोरी तो जानते ही हैं, इतना फेम इतना नेम सुसाइड कर लिया, तो कौन से ढंग की बात हो रही है। और यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, जो त्रेता युग के बाद का पीरियड है, महाभारत काल से पहले का पीरियड है, उसमें भी भारत में पूरी समृद्धि दिखाई दे रही है, समृद्धि दिखाई दे रही है, और भारतवर्ष बहुत बड़ा क्षेत्र है। आजकल अब्राहमिक मानसिकता ने पाकिस्तान बना दिया, उसने ईरान बना दिया, उसने इराक बना दिया, उसने सीरिया बना दिया, लेबनान बना दिया, अभी इसराइल पैलेस्टाइन में युद्ध चल रहा है, उनके सबसे पावन जगह पे हमेशा बम बरसते रहते हैं, फूलों की बात नहीं होती, और एक दीवार बनी हुई है जहां पे लोग रोते रहेंगे। हम लोग को तो, हम तो सनातन धर्म की तरफ से देख रहे हैं ना, तो हमारा तो पर्सपेक्टिव अलग ही होगा। हम यहाँ पे भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, पहली सीढ़ी पे फूल चढ़ाते हैं, वहां दंडवत करते हैं, दूसरी सीढ़ी पे फूल चढ़ाते हैं, दंडवत करते हैं, फिर उन सबको दंडवत करते हुए चलते हैं कि वहां पे साधु संत गए हुए हैं। कल्चर देखिए, सुपीरियर कल्चर है, ये कल्चर आपको इंग्लैंड में दिख सकता है, वो तो मरे हुए पक्षी खाती है इंग्लैंड की क्वीन। स्कॉटिश और इंग्लिश जब मजाक करते हैं ना, ये बोलते हैं
तू ये सड़ा हुआ मांस खाता है, तू वो सड़ा हुआ मांस खाती है, दोनों के दोनों सड़ा हुआ मांस खा रहे हैं। कौन सी स्मृति की बात हो रही भाई? बकिंगम पैलेस उसका नाम हो जाना चाहिए। वो क्या होता है ना, बकिंगम पैलेस क्या नाम होना चाहिए उसका, सोचिए ना। इस जगह जगह बात की हुई है, सब बड़ी बड़ी बात है। बकिंगम पैलेस से छोटा सा घर दिखता है, राजपूताना के घरों में चले जाओ, कितने बड़े बड़े घर, आलीशान घर राजस्थान में, किले के किले। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया क्या है, क्योंकि और हमारे जो ब्राउन अंग्रेज हैं, कोकोनट, जो फैंसी इंग्लिश में बात करते हैं, बॉम्बे में, दिल्ली में, एक्सन में बात करते हैं, उनको लगता है क्या भाई हम अमेरिकन टच में फोर्क से खाएंगे। अरे भाई वो लोग तो अपने हाथ में नहीं धोते शौच करने के बाद, तो फोर्क से तो खाना ही पड़ेगा न, स्नान लेते हैं, फोर्क से तो खाना ही पड़ेगा। और यहां पे जब बात हो रही है महाभारत में, मैं थोड़ा बीच का पीरियड थोड़ा सा बताया आपको, मैं बताना चाहता हूं कभी भारत गरीब था ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, और वापस अगर आ रहा अभी तो पूरी तरह अपने फुल पोटेंशियल में नहीं आया भारत। भारत वैसा ही समृद्धिशाली हो जाएगा अगर हम सनातन धर्म का पालन करने की कोशिश करेंगे। 2014 के बाद से ऐसी गवर्नमेंट आई जो कोशिश कर रही है, पूरी तरह नहीं कर रही है लेकिन कोशिश कर रही है, एटलीस्ट बेटर देन कांग्रेस, या कांग्रेस से शायद खराबी हो सकती है, देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। लेकिन अगर थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं सनातन धर्म का पालन हो रहा है। अब आते हैं महाभारत की तरफ। पूरी दुनिया में महाराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ ही नहीं। पृथु मंदाता और ऋषभ के पुत्र भरत, फिर दुष्यंत, और उसके बाद युधिष्ठिर, पृथु मंदाता, भरत और दुष्यंत और भरत और महाराज युधिष्ठिर, इसके अलावा कोई और, ये सब बुक्स में है मेरा, ये सब बुक्स हैं इधर आप देख सकते हैं, सब बुक्स हैं मेरी और भी बहुत सारी रखी हुई इधर, तो उसमें सब इंफॉर्मेशन है, उसमें और डिटेल में है, श्लोक के रेफरेंसेस हैं। मैं तो बड़ा सामान्य साधारण सा बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन श्लोक नहीं कोट करूँगा। अब वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की जब बात हो रही है राजसूय यज्ञ में, उन्होंने पूरे विश्व पे अपनी सेनाएं भेजी, हर तरफ से धन एकत्रित किया, राजसूय यज्ञ किया, चीन ने भी कर दिया चार बार। तो रेफरेंसेस हैं, दुर्योधन बोलता है, द्विताश को बताता है, धौम्य ऋषि बोलते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन जाता है, भीम जाते हैं, तो ये सब अनेक अनेक चार पांच रेफरेंसेस हैं चीन के, ये सब कर दे रहे हैं। कहां पे कर आया? हस्तिनापुर में आया। कहां गया कर? ये इंपॉर्टेंट है। 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं डेली डोनेशन, मतलब ये बोला गया, और किसको लगाया गया डोनेट करने के लिए? दुर्योधन को, कि दुर्योधन पहले से चढ़ता है, अब वो संकोच नहीं करेगा उसको, क्योंकि युधिष्ठिर को गरीब बनाना है। एकत्र किया सब तरफ से, अब उसको युधिष्ठिर को गरीब बनाना है, तो संकोच नहीं करेगा, उसको स्वर्ण वितरण के लिए लगाया गया। वो दोनों हाथों में भर के दे रहा है, जितना दे सकता है दे, खत्म ही ना हो, स्वर्ण मुद्रा ही खत्म ना हो, गाय ही खत्म ना हो, घोड़े ही खत्म ना हो, हाथी भी खत्म ना हो, इतना दान दिया, मतलब पूरी दुनिया से लोग आए होंगे एक दान लेने के लिए, आए होंगे ना 88,000 स्नातकों को वहां पे सिखाया जाए, ग्रेजुएट नहीं होता स्नातक करता, स्नातक मतलब जिसकी दीक्षा हुई है और जो वेदों में पढ़ाई कर, जिसकी दीक्षा हुई है और वो वेदों की पढ़ाई कर रहा है, वो स्नातक है।
सब तरह से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं भिक्षा लेने के लिए, और दोनों हाथों से मुस्कुरा के महाराज युधिष्ठिर दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। मुझे से बड़ा अच्छा लगता है विवरण बताना। सेनाएं लगी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, मतलब गंगा, गंगा मतलब हस्तिनापुर के पूर्व में गंगा है, और जो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ है, वो यमुना के यमुना के पूर्व में इंद्रप्रस्थ है, और हस्तिनापुर के पूर्व में, मतलब गंगा के पूर्व में हस्तिनापुर है, नॉर्थ है ना। इन दोनों के बीच की जगह ये, मतलब दोनों शहरों के बीच की जगह है, और उसके जो इन दोनों शहरों के बीच की जगह है, और उसके जो हस्तिनापुर के पूर्व की जगह है, वहां पे उसी के आसपास सेनाएं इकट्ठी है, पंचाल देश तक, साउथ तक जाती है, जहां पे थोड़ा सा साउथ, जहां पे हम बोलेंगे कि आजकल का सहारनपुर है, उस एरिया तक, बड़ी एरियाज, बड़ी रीजन सेनाओं से भरी पड़ी है, हाथियों से भरी पड़ी है, घोड़ों से भरी पड़ी है। इसको धन नहीं बोलेंगे? आज एक घोड़ा खरीद के दिखा दीजिए। मैं जहां रहता हूं अमेरिका में, यहां पे घोड़े की कीमत है $8,000, है ना, और दुनिया के सबसे बढ़िया घोड़े होते हैं सिंधु देशीय घोड़े, जिसका तो बोलते हैं अरेबिक हॉर्स, लेकिन थोड़ा सा अलग भी होते हैं, जैसे भारत में कठियारवाड़ी भी है, और जो अनेक नस्लें होती है अलग अलग, कठियारवाड़ी हॉर्स सबसे अच्छे होते हैं, चितकबरे, किसी की लंबी मुंह, किसी का छोटा, कोई पतला सा, कोई लंबा चौड़ा, अनेक प्रकार के विवरण है घोड़ों के। और ये सारे घोड़े, हाथी, बड़े बड़े हाथी, और ये सब शस्त्र अनेक प्रकार के, जिसको गरीब बोलेंगे। आप चलिए महाभारत से थोड़ा साउथ में थे, इसमें और भी बात कर सकते हैं, लेकिन एंडलेस टॉपिक है, इतना मर्जी है बात करें, और मुझे भी बड़ा आनंद आता है ये सब बात करने में। अब इसके थोड़ा बाद आइए, अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कहाँ गरीबी है भाई, कहीं गरीबी नहीं है, अभी तक अब्राहमिक मानसिकता नहीं आई है इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी नहीं आई है, कहीं गरीबी नहीं दिख रही, लोग लड़ रहे हैं, ग्रीक और लड़ रहे हैं, लेकिन गरीबी कहीं नहीं है। चाणक्य ऋषि आते हैं, इनका विवरण आता है भागवत पुराण में भी आता है, एक ब्राह्मण ने नंद वंश को खत्म किया, भागवत पुराण में है, तो यहां पर भी गरीबी नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गरीबी नहीं, भारत और भी बड़ा है उस समय। आजकल के लोग दिखाएंगे छोटा सा, इतना सा जो मैप दिखाते हैं ना विकिपीडिया पे, तो विकिपीडिया तो मिथोलॉजी पीडिया है, मिथोपीडिया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है आजकल का इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पे हेलेनिक प्रिंसेस से शादी करता है, बाद में रोमन उसको जीत के उसको फिर ग्रीक से रोमन कर देते हैं, और बाद में हमारे चोर लोग पहुंच जाते हैं क्रिश्चियनिज्म का नाम लेके, इसका नाम लेके, मरते हुए, मर चुका है उसको उठा के उसको बैप्टाइज कर देते हैं, बन गया क्रिश्चियन, कभी नहीं था वो, तो उसके पहले का धर्म फॉलो, ग्रीक फॉलो करता, वो तो सनातनी कनेक्शन है, देवताओं से है, लेकिन प्योर सनातनी नहीं है, क्योंकि जितना भारत से, भूमि से दूर जाएंगे तो सनातनी थोड़ा उसका ट्रेसेस मिलता है, एग्जैक्ट नहीं है। फिर आप अब आए थोड़ा सा और पास में आए, तो यहां तक भी गरीबी नहीं। अब गरीबी शुरू कहां से होती है? गरीबी शुरू होती सबसे पहले मिडिल ईस्ट में, जहां पे आजकल तेल का कुआं है, ये सब है, जहां पे एग्जिस्टिंग सनातनी सिविलाइजेशन को कुछ ट्राइब के लोग, मतलब जो ऐसा बातें करते हैं, ओसिरिस की कहानी लेके जो घूमते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर की बात करते हैं, यही लोग, रोमन्स लोग खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो मिडिल ईस्ट का दूसरा फेथ आ गया, क्रिश्चियनिज्म,
वहां पे झूठी मूठी कहानियां बना के, एक फॉल्स मसीहा बना के रोमन्स झूठ को इंट्रोड्यूस करते हैं, गरीबी इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो रोमन साम्राज्य है वो आज भी रोमन साम्राज्य चल रहा है वेटिकन के थ्रू, खत्म नहीं हुआ है। रोमन साम्राज्य ने हर जगह गरीबी फैलाई, जहां जहां गए वहां पे लूट खसोट की और गरीबी फैलाई। वहां पे कॉन्सेप्ट आ गया नोबल्स, जो बड़े लोग छोटे लोग, बड़े लोग छोटे लोग, है ना, बड़े मियां छोटे मियां, रोमन से शुरू हुआ। उनकी नकल करते करते अब पूरे विश्व में रोम बड़े मियां छोटे मियां फैल चुके हैं, है ना। अब बड़े मियां छोटे मियां समझ गए, बड़े मियां वो हैं, बड़े मियां छोटे मियां ये है, समझ लीजिए। बोल बोल के क्या फायदा है, बुक्स में तो लिख दिया मैंने। नाउ अब वापस हम आ गए 1835 से, ऊपर पीछे गए थे 1835 के आगे, चलिए यहां से आ गए। यू विल बी शॉक्ड, दुनिया का बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर भारत, दुनिया के लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स भारत, दुनिया की संस्कृति भारत, वैदिक संस्कृति ही संस्कृति है, बाकी सब तो बंदर नाच है, सनातन धर्म ही एकमात्र संस्कृति है। मंदिर देखिए, आज भी जो बनते हैं, हमारे स्वामीनारायण के मंदिर हैं और अनेक मंदिर, भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना, कितना सुंदर मंदिर है, क्या आर्किटेक्चर है, पुराने नए का समन्वय। रंगनाथ मंदिर देखिए, मेरे तो बुक्स में तो पूरा मेंशन है हर मंदिर का, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। सुंदर सुंदर पहाड़, सारी ऋतुएं। अगर पाकिस्तान हिंदू है बन जाए, वापस हो जाएगा, बांग्लादेश इसे बन जाए, देखिए कितना सुंदर एरिया, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन प्रचार के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रचार करने सेना लेके बाहर नहीं जाएंगे तो गरीब बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया इनका, हमको सिखाया गया अंग्रेजी भाषा, फिर दूसरा सिखाया गया हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम शांति प्रिय देश है, मतलब आप पे दुनिया आक्रमण करे, कभी भी दुश्मन को आश्वासन नहीं दिया जाता, हमारे कभी पूर्वजों ने नहीं दिया, हम हमेशा धर्म देके प्रोएक्टिव एक्शन लेते हैं, है ना, सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं करते हैं, एक्शन लेते रहते हैं, कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। तो हमको कमजोर बनाया गया, गरीबी हमारे यहाँ थोपी गई। पिछली सारी गवर्नमेंट्स ने, कांग्रेसी गवर्नमेंट्स ने या जो भी गवर्नमेंट्स थी आज़ादी में, जो हमारे जो चाचा हैं गरीबी चाचा, सबने भेजी। वेटिकन का मंत्र क्या है, गरीबी हटाओ, यहाँ भी लोग बोल रहे हैं गरीबी हटाओ, मतलब वेटिकन का मंत्र है। मदर टेरेसा का कुल आप कर्मुक्ताओं को मालूम ही है, उस पर तो कोर्ट्स ने भी उसको डांट लगाई कि तू लोगों को गरीब रखना चाहती है ताकि तेरे को डोनेशन मिले। और जहां जहां अंग्रेजी बोली जाती है वहां गरीबी रहती है, वहां संस्कार नहीं होंगे, हाथ नहीं धोए जाएंगे, पालथी मार के नहीं बैठा जाएगा, पेट में परोस के एक एक भोजन को तेज करके नहीं दिया जाएगा, भगवान को भोग नहीं लगेगा। ये हो रहा है शहरों में, बॉम्बे में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लोग बस उठते हैं ब्रेकफास्ट टाइम, ना मंत्र जप, ना योग जप, ना कुछ स्वाध्याय, कुछ नहीं, सीधा ब्रेकफास्ट। अरे नहीं, पहले मंत्र का जप है, शौच करिए, सुबह मंत्र करिए, फिर उसके बाद भगवान को ऑफर करिए, मनुष्य के तरह खाइए। ये सब गरीबी के लक्षण है, मतलब इसको पालन नहीं करना। वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल है वो गरीबी के लाइफस्टाइल है। लोग मेरे घर में आके चौंक जाते हैं कि आप तो अमेरिका भारत से दूर रहके भी इतना सांस्कृतिक तरीके से कैसे रहते हैं। भाई हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। तो गरीबी भारत में लाई गई, कभी गरीब नहीं था। अब मैं आज की बात करता हूं, दुनिया का सारा मैंने और थोड़ा बताया भी, मैक्सिमम गोल्ड कंज्यूमर, अगर भारत अपने गोल्ड रिजर्व्स में डिक्लेयर कर दे विद द पॉपुलेशन, तो 8000 टन अमेरिका के पास, वो तो हम एक साल में पी जाते हैं 22000 टन। तो हमारे भारत में तो गोल्ड कैसे गायब होता है पता ही नहीं लगता, पता लगेगा हमारे चार पांच मंदिर मिलके सारा पूरा यूरोप यूरो सब खरीद लेंगे। इसीलिए भारतीय मंदिरों को सरकारें अपने कंट्रोल में रखती है। लेकिन हमारे भक्तों की श्रद्धा देखिए, लंबी लंबी कतारों में बिना कोई चिंता के पहुंच जाते हैं।
तो भारत न कभी गरीब था, न गरीब है, न कभी रहेगा, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है। देवता यहां पे आने के लिए लाइन लगाते हैं। आप जिन जिन का जन्म भारत में हुआ है, मेरा भी जन्म भारत में हुआ है, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ। हमारे अनेक पुण्यों का फल है भारत भूमि में जन्म लेना। तो इसको कभी भी भूलिए मत, और जहां भी रहें उसको भारत बना दीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग माताएं यहां पर हैं, अमेरिका में हैं, और बड़ा अच्छी तरह धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको भी मेरा साधुवाद। और अन्य देशों में जो मुझे देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह लोग देख रहे हैं, उन सबको मेरा साधुवाद। आप हर जगह भारत को जीवित करके रखे हुए हैं। आगे शो में फिर मिलेंगे, मैं कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊँगा। ये मेरे दिल की बात है, तो आपने सबने सुनी, और हरि नाम लेते रहिए। जय जगन्नाथ। मेरी बुक्स पढ़ते रहे, मैं नए बुक्स पे काम मैंने शुरू कर दिया है, नई बुक आने वाली है, वेरी गुड। इटर्नल लव मेरी पुस्तक जरूर पढ़िएगा, अमेजोन में सबसे सस्ती पुस्तक है, आप डाउनलोड करके अमेजोन पे पढ़ सकते हैं। इटर्नल लव सतालोजी सर्च करेंगे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। नमस्ते, थैंक यू एंड जय जगन्नाथ।